हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार, आज की इस वीडियो में हम पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर, विच इज द चैप्टर 21 ऑफ आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स, पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसे तुम सिंपली ट्रिग्नोमेट्री बोलते हो, हम 40 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। हाँ यार, सिर्फ 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा, जिसमें तुम्हारी हर एक डिटेल में बात होगी, हर एक चीज की, हर एक कॉन्सेप्ट की, उसके साथ साथ एज वेल एज सेलिना के जो तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ PYQs यानी कुछ सिलेक्टेड PYQs हैं यार, जो कि तुमको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर। हर एक चीज, ये नहीं सोचना है सिर्फ 40 मिनट में कर रहे हैं तो टॉपिक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि जल्दी जल्दी में कवर हो गया। नहीं यार, एकदम स्टार्टिंग से एकदम डेप्थ में बात करेंगे, सिर्फ 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। बस यार, ठीक। तो अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से यार एक छोटी सी चीज मांगना चाहता हूँ, जो कि है तुम लोगों का सपोर्ट इस वीडियो को बनाने में। भाई तुम नहीं मानोगे, लेकिन हाँ, एडिटिंग करने के बाद इस वीडियो को बनाने में 8 से 9 घंटे की मेहनत लग चुकी। तुम प्लीज थोड़ा बहुत यार सपोर्ट दिखाओ, अगर तुम इस वीडियो के थ्रू कुछ भी तुम्हारा बेनिफिट होता है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो फिर, क्या ही है यार, अब स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं अब तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ। तो सबसे पहले देखो, मैंने जैसे कि क्लियर कर दिया था कि एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले तो यार देखो, एक हमको राइट एंगल ट्राइंगल को जो है ड्रॉ करना होता है, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को जो है ड्रॉ किया, ओके गुड। अभी इसके बाद देखो, तुमको पता है दिस एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद मैंने तुमसे बोला अज्यूम दैट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, मान रहे हैं कि हाँ ये जो एंगल है ये थीटा है। उसके बाद इस एंगल को मान लिया दैट दिस इज अल्फा, ठीक है, अल्फा एट जे आर जस्ट द साइंस, ठीक है, ये थीटा ये अल्फा दे आर जस्ट द साइंस जिनको हम यूज कर रहे हैं, ठीक, समझे, बढ़िया, गुड। तो अब देखो यार, अब सबसे पहले इस थीटा के प्रस्पेक्टिव से बात करो, ठीक है, थीटा के प्रस्पेक्टिव से बात करोगे तो ये थीटा के सामने वाला, समझना इस छोटी सी चीज को, नहीं तो ये बाद में तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत देगी सिंपल सिंपल सवालों में, दैट ये थीटा के सामने वाली लाइन, ठीक है, ये थीटा के सामने वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के सामने वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी इस एंगल, किसी भी एंगल के जस्ट सामने वाली फ्रंट वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पर वो बना हुआ होता है उसे कहते हैं हम बेस, ठीक है। सो दिस इज द बेस, अगर हम थीटा के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। ये हाइपोटेनियस होगी मेरे भाई, पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम तुमने पढ़ा होगा दैट दिस इज हाइपोटेनियस, चलो बढ़िया। लेकिन अब वहीं अगर हम इस अल्फा के प्रस्पेक्टिव से बात करते हैं, इस अल्फा, दिस इज अल्फा, अगर इसके प्रस्पेक्टिव से तुम बात करोगे तो यू विल सी दैट कि ये अल्फा के सामने वाली लाइन तो भाई कौन सी है, ये है, ठीक है। तो अल्फा के प्रस्पेक्टिव से दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये छोटी सी चीज को जो यार तुम समझ रहे होगे, और बाद में तुमको एक बहुत बढ़िया बात भी पता पड़ेगी, ठीक है, अल्फा के प्रस्पेक्टिव से दिस इज अ परपेंडिकुलर, और अल्फा के प्रस्पेक्टिव से ही दिस इज अ बेस जिस पर वो बना हुआ है, ठीक है, इसी लाइन पर देखो यार, यहीं पर तो ये जो है ना बना हुआ है। इतनी सी बात को जो है तुम समझ रहे होगे, होप सो। तो तुमको एक बहुत बढ़िया चीज ये क्लियर हुई कि पहले तो एंगल देखना होता है, ठीक है। बहुत से लोग पता गलती क्या करते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ क्यों लिया, अगर तुमसे कोई पूछ लेता कि अल्फा इज द एंगल और उसके बेसिस पे तुमको बातें करनी है, ठीक है, और फिर तुमसे पूछते कि भाई परपेंडिकुलर कौन सी है, तो अगर तुम कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखते, ठीक है, तो तुम हाल के हाल इस लाइन को बता देते परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, अगर तुम अल्फा के परस्पेक्टिव से बात कर रहे होगे, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन बहुत से लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड साउंड करती है, ठीक है, चलो बढ़िया यार। तो तुम इतनी सी बात को जो है समझ गए, उसके बाद अब तुम्हारा एक थोड़ा सा प्रॉपर छोटा सा रिवीजन हो जाए पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो कि तुमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें तुमने क्या पढ़ा था कि एक अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें उसकी बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है तुम्हारी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर,
ठीक है, यही छोटी 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 सी जो चीजें हैं तुमने पढ़ी हैं यार अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो देखो तुम कह रहे हो कि हाँ भैया अगर अल्फा के से ही परस्पेक्टिव से बात करो, थीटा से भी बात करो, तो यार हाइपोटेनियस तो भैया यही आ रही है, ठीक है। तुम कुछ भी कर दो, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से भी ये तुम समझ सकते हो कि हाइपोटेनियस जो है यार कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर तुम एंगल के यानी दूसरे एंगलों से बात कर लेते हो तो सिर्फ बेस चेंज होगा, परपेंडिकुलर चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो वही का वही रहेगा। अगर ये चीज तुमको समझ में आ जाती है, देखो यार वैसे तो ये बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत से लोगों को लिटरली ये समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो समझ लेना कि कभी भी कोई पूछे तो पहले एंगल की पोजीशन देख लें, फिर उसके पर्सपेक्टिव से आंसर दो, ठीक है, गुड। तो अब देखो तुम्हारे को यानी ट्रिग्नोमेट्री अभी यानी ये बेसिक सा जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ये क्लियर हो चुका है, तो अब हम बात करेंगे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो उसके लिए मेरे पास यार एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, तुमने होप सो पहले से ही सुनी होगी, ठीक है, काफी फेमस ट्रिक है, ठीक है। इसमें देखो पड़ोसी, बस इतनी सी लाइन को जो यार तुमको अभी सबसे पहले तो याद रख लेना है, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताऊंगा, उसके बाद तुम वैल्यूज अपने आप ही निकाल रहे होगे। उसके लिए सबसे पहले तो एक यहाँ छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। तुम्हें पता है अगर हम इस एंगल थीटा के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, देन दिस इज अ बेस, ठीक है, बेस, और इसे अभी हम डिनोट करेंगे बाय बी, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज अ परपेंडिकुलर, इसे अभी हम P से डिनोट करेंगे। उसके बाद दिस इज आर हाइपोटेनियस, गुड, चलो भाई बढ़िया। तो अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो अब तुमको हर एक चीज समझ में आएगी। कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं, क्या है भाई, कुछ रेशियोज है। सबसे पहले तो रेशियोज की एक प्रॉपर्टी तुमको पता होगा कि यार रेशियोज पता क्या होते हैं, यूनिट लेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर क्या है, ये रेशियो एक यूनिट लेस क्वांटिटी, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं। तो सबसे पहले तो यार उसमें से है साइन, साइन, अब साइन के आपको यानी कुछ वैल्यूज याद करनी होती हैं, वही पी बाय एच, बी बाय एच, तुमने होप सो पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो अब तुम समझोगे। इधर पे इस लाइन पे अब तुम्हें फोकस मारना है, ये सबसे पहले जो शब्द है ना, दो पड़ोसी और हम, इसके पहले पहले जो आपके वर्ड्स हैं यानी पहले पहले जो आपके लेटर हैं उनको उठाओ, पी और एच, ठीक है, और साइन को लिख दो पी बाय एच, ठीक है, समझ रहे हो, इट जस्ट अ ट्रिक। अगर तुमको इससे नहीं करना हो, अगर तुम यहां से डायरेक्टली याद करने के लिए काबिल हो, ठीक है, अगर तुम उसमें कंफर्टेबल हो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, लेकिन इट इज जस्ट अ सिंपलेस्ट वे कि जिससे तुम एक ट्रिक के थ्रू इसे याद रख लो। पड़ोसी हम, ठीक है, पड़ोसी का पी, हम का एच, ऐसे रखा, देन साइन इज इक्वल टू पी बाय एच, ठीक है। पी क्या है यार, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, एच क्या है यार, ऑब्वियसली हाइपोटेनियस है। उसके बाद एक और रिलेशन होता है, ठीक है, विच इज कॉस, कॉस है अगर, तो यार अब मैं कहूंगा कि इस लाइन पर आ जाओ, इधर से देखो, ठीक है, इन दो वर्ड्स के बीच में देखो, तो भूखे का आपका पहला, भूखा का पहला लेटर कौन सा है, बी, ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे बी, और उसके बाद दूसरा लेटर भाई कौन सा है, एच, तो यहां पर लिख देंगे बाय एच, ठीक है। इट इज जस्ट अ ट्रिक जिससे तुम इस बस छोटी सी दो लाइनों के थ्रू सब कुछ याद रख सकते हो, अगर तुम वैसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुमको वैसे ही सब कुछ जो है यार याद हो जाएगा। उसके बाद साइन कॉस, फिर आता है आपका टेन, ठीक है, साइन को हम पूरा बोलते हैं साइन, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, कॉस, कॉस को हम बोलते हैं कॉसाइन, टेन को बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है, अगर तुमने पहले चैप्टर पढ़ लिए हैं सर्कल वाले तो उसमें जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करते होगे, ठीक है, दिस इज दैट टेन ओनली, दैट टेंजेंट ओनली, ठीक है। तो अब टेन के लिए क्या करो, तीसरे वाले पे आ जाओ, इधर पे एक बॉक्स बनाओ, इसमें भी जो वर्ड्स हैं उनके पहले पहले लेटर्स को उठा लो, प्यारा, सॉरी प्यासा, ठीक है, प्यारा प्यासा, बात एक ही है, पड़ोसी भूखा प्यारा या फिर प्यासा, जो भी तुमको कंफर्टेबल हो, तुम पी उठा के यहां पर रख दो, दूसरे लेटर का यानी दूसरे वर्ड का पहला लेटर कौन सा है आपका, बी, इधर पर रख दो, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ टेन, इसे तुम वैसे भी याद रख सकते थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वे में भी याद रख सकते थे कि सामने वाला नीचे वाला, ऐसा कुछ नहीं, बस इतनी सी लाइन को तुम यार याद रखो और तुम्हारी हर एक चीज जो है अपने आप क्लियर हो जाएगी। उसके बाद, उसके क्या, उसके बाद एक और चीज आती है, साइन कॉस टेन तो हो गया, ठीक है, गुड, लेकिन अभी एक और देखो, तुम्हारे कुछ रिलेशंस और बचते हैं, ठीक है, साइन है, अब इसका भैया अगर हम उल्टा कर दें, यानी भाई रेसिप्रोकल कर लें, क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर लें, तो मैंने कहा भाई ठीक है कर लूं, अगर तुम साइन को, किसको, साइन को रेसिप्रोकल करते हो उसका, तो बनता है आपका कोसाइन, ऑब्वियसली यार रेसिप्रोकल करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एच बाय
पी, ठीक है, इतनी सी बात को तुम समझ रहोगे। कॉस को उल्टा करोगे भाई उससे बनता है हमारा एक सीकेंट, ठीक है, सीकेंट बनाते थे तुम, ठीक है, क्या सीकेंट बनाते थे ना सर्कल में बीच में से कॉर्ड सी, यानी जो बाहर भी हो सर्कल के अंदर भी हो उस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू एच बाय बी, ठीक है। टेन का भी एक रेसिप्रोकल होगा फिर, उसे कहते हैं हम कॉट, ठीक है, कॉट। देखो सीकेंट को जनरली सेक लिखा जाता है, ठीक है, सेक। कॉट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है, इसे क्या लिखते हैं, और कॉट क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली क्या होगा, बी होगा बाय एच होगा, पी होगा, ठीक है यार, अच्छी बात है। सो कॉट इज इक्वल टू व्हाट, बी बाय पी, ठीक, समझ रहे हो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां से तुम्हारे क्लियर हैं, ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां से तुम्हारे जो है यार क्लियर हो चुके हैं। क्या बातें यहां पर खत्म हो गई, नहीं यार, अभी जब तुम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सिर्फ इन छह से काम नहीं चल पाता है, तो इसके लिए और भी कुछ चीज। अब किसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चेंट रिलेशंस के बारे में, ठीक है, ये सबसे सिंपल चीज है, अगर चाहो तो तुम इसे याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको एक बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा जिससे तुमको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखो हमारे पास एक क्या होता था, साइन होता था, इतना तुमको पता है, साइन क्या होता था हमारा, पी बाय एच, ठीक है, उसके बाद हमारा एक कॉस होता था, कॉस क्या होता था, बी बाय एच। अब ये सब चीजें तुमको यार अभी तक थोड़ी जो है याद होनी चाहिए, अभी नहीं हुई लेकिन थोड़े टाइम के अंदर ये याद हो जानी चाहिए, एक होता था साइन एक होता था कॉस, गुड। अभी इसी का मैंने क्या बोला यार, इनको क्या करो ना तुम, इनको एक दूसरे के ऊपर रख दो, ठीक है, तो तुम साइन बाय कॉस फाइंड करो एक तरीके से। मैंने कहा ठीक है भैया, हमें क्या दिक्कत होगी, साइन बाय कॉस निकालने आप बोल रहे हो तो ठीक है, साइन बाय कॉस है, ठीक है, तो इसमें मैंने बोल दिया ठीक, साइन की वैल्यू क्या है, पी बाय एच, कॉस की वैल्यू क्या है, बी बाय एच, ठीक है। ये साइन को यार तुम अभी ऐसे लिखते हो लेकिन याद रखना इसमें कोई एक एंगल आता होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, इतनी सी चीजें भी जो है तुम्हारे को बाद में मैं बताने वाला था, लेकिन ऐसे याद रखना कि ये थीटा कोई एक एंगल भी होता है यहाँ पर, ये पूरा एक अच्छा एकदम प्रॉपर नोटेशन है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर नोटेशन। फिर एक किसी एंगल का साइन, किसी थीटा एंगल का साइन इज इक्वल टू पी बाय एच, उसका ही परपेंडिकुलर, उसका ही हाइपोटेनियस, ठीक है, तो साइन हो गया पी बाय एच, कॉस हो गया बी बाय एच। तुमको यार इतना प्रॉपर डिवीजन तो तुमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ये एच एच कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, पी बाय बी, ठीक है। अब ये पी बाय बी क्या होता था, तुमको पता है यार, उसी थीटा एंगल का टेन होता है, ठीक है, इट इज द टेंजेंट दैट टेन ओनली, ठीक, याद रख सकते हो इतनी सी छोटी सी चीज को, तो तुम बढ़िया यार, तो यानी ये तुम्हारे क्वेश्चन रिलेशन जो एकमात्र था ये भी क्लियर है। लेकिन मैंने बोला, तुमने कहा भैया अब ये साइन को कॉस के ही ऊपर क्यों रखा, आप कॉस को साइन के ऊपर रख लो भाई, रख लो कॉस को साइन के ऊपर रख लो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, एच एच फिर से कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, बी बाई पी, विच इज व्हाट, कॉट, ठीक है, इसे हम कॉट कहते हैं, समझ रहे हो, इसे हम कॉट कहते हैं। तो तुम इतना भी समझ गए कि अगर साइन बाय कॉस करोगे तो टेन मिलेगा और कॉस बाय साइन करोगे तो कॉट मिलेगा, ठीक है, याद रख सकते हो इस छोटी सी चीज को, बढ़िया है यार, याद रख लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, क्योंकि अगर बार बार ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा ये चीज टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी अब आते हैं आपके स्क्वायर्स वाले, ठीक है, कुछ स्क्वायर्स वाले रिलेशंस को भी पढ़ दो मेरे भाई। अब इनमें यार मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि इनको तुम जनरली याद कर लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन जो तुमको याद कर लेना है, वैसे तो तुम देखो यार इसकी डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, इसलिए इसी वजह से आई विल सजेस्ट यू कि भाई मेरे तुम इसे याद रख लो, ठीक है। तो देखो मैं बहुत कम बोलता हूँ कि याद करो, लेकिन हाँ इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर ऐसी कोई चीज दे रखी हो, ठीक है, अगर ऐसी कोई एंगल ए का अगर कॉस स्क्वायर पूछ रखा हो, किसी एंगल ए का साइन स्क्वायर पूछ रखा हो, तो उस केस में भाई मेरे तुम क्या करोगे, उसे इक्वल टू वन बोल देना। कैसे समझे, समझ रहे हैं, देखो यार सबसे पहले तो तुम्हें कॉस ए पता है क्या होता है, हमारा बी बाय एच होता है, ठीक है, यही होता है। साइन ए भी पता है, ये भी क्या होता है, पी बाय एच होता है, राइट। तो बस यार देखो, अगर कॉस ए इतना है तो कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या होगा भाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, राइट, बस इतनी सी चीज है यार। अब देखो हमने यहां पर जब इसकी वैल्यूज हम रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए की रख दी यार हमने बी स्क्वायर,
बाय एच स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए की रख दी, सॉरी इसकी यानी जो हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यूज रखी, तो इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। चलो बढ़िया, तो देखो ये कितना होगा आपका एच स्क्वायर, और फिर ये होगा आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें पता है कि यार बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी इन दोनों का सम इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यार ये जब यहाँ पर तुमने इस पर्टिकुलर चीज पे तुमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, तो इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू वन, ठीक है, ये तो वन के इक्वल आ गया मेरे लाल। बस इतनी सी ही जो यार चीज थी, ठीक है, समझ रहे हो, एक जो आपका मेजर स्क्वायर रिलेशन था तुमने ऐसे कर लिया। अब देखो यार इसमें तुम्हारा यानी बहुत ज्यादा टाइम लग गया ना कि स्क्वायर रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे अच्छा आई विल सजेस्ट यू कि इतनी सी चीज को तुम याद रख लो, यू आर इन क्लास 10, तुम थोड़ी बहुत चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है, तुम इतने करने के कैपेबल हो यार, नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें लिखते चलो, वैसे तुम्हें नोट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलने ही वाले हैं, ठीक है, गुड। अब यार आगे बढ़ेंगे, जो तुम्हारा अगला स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है, वो होता है आपके 10 और sec के बीच में, तो इसमें बोलते हैं दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर a, ठीक है। अब इसे भी तुम उसी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वगैरह चीजों से जो है तुम डिराइव कर सकते हो, ठीक है, नहीं मान रहे हो तो हम देखो इसमें हम क्या करेंगे, LHS और अगर RHS को प्रूव कर दें, ठीक है, अगर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, इसको हम प्रूव कर दें, तो यानी ये तुम्हारी ये जो चीज है ये सही है, तो LHS में देख लो क्या है, पहले तो 1 है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर क्या होता है आपका, क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, 10 इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, इतनी सी चीज तो यार तुमको यार ये पता ही है दैट 10 इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, तो 10 स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, गुड। तो हमने बोला यार दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो हमने यहां पर लिख दिया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इधर पे ये sec स्क्वायर है, ठीक है, तो तुम्हें इतना ही पता है दैट sec ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, क्योंकि यार जब 1 बाय कॉस ए इक्वल होता है sec ए के, ठीक है, तो sec ए भी क्या है फिर 1 बाय कॉस ए है, इतनी सी चीज तो तुम समझ ही रहोगे। तो अभी हमने RHS में यहां पर क्या लिख दिया, 1 बाय कॉस स्क्वायर है, ठीक है, वही स्क्वायर कर दिया वापस से। चलो तो अब इसका क्या करो मेरे भाई, LCM निकाल लो, तो इसका क्या होगा, देखो यार यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है, इधर पे तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, इधर पे तुम्हारा क्या ही है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। अब देखो यार अभी अभी तुमने ये स्क्वायर वाला रिलेशन पढ़ा था दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1, तो ये आ जाता है तुम्हारा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी ओनली व्हाट, 1 by cos square a, ठीक है, so LHS equal to RHS हमने प्रूव कर दिया, so this square relation is also proved, ठीक है, समझ रहे हो, बढ़िया यार। तो अब आगे बढ़े, ठीक है, वो तो और भी ज्यादा सिंपल है अगर तुमको ये समझ में आ गया, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, तो I'll suggest you उसे याद कर लेना, उसका डेरिवेशन समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी प्रोसीजर सेम ही है इस वाले के, ठीक है। तो अब जो आपका थर्ड नंबर का आपका यार स्क्वायर रिलेशन है, वो है 1 प्लस cot square a is equal to what, cos x square a, वही सेम प्रोसीजर है, अब इसका जो LCM है यार वो आ जाएगा sin square a, और बस इसके ही थ्रू तुम इस पूरे को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सारे रिलेशंस हमारे कवर हो चुके हैं, समझ रहा हो, सारे के सारे रिलेशंस जो हैं यार अभी हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। सो इतनी सी चीज ही थी बस इस पार्ट में। अब हम कुछ यार एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, अब एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे तुम्हारा मुराल थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ठीक है। देखो यार सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आई विल सजेस्ट यू वीडियो को पॉज करो फिर ट्राई करो, ठीक है। तो चलो अब हम एक बार इसे सॉल्व करके देख लेते हैं यार क्या ही भला है इस क्वेश्चन में। 10 ए इज व्हाट, साइन ए बाय कॉस ए, ये तो तुमको पता ही है, तो इसे लिख दो यार साइन ए बाय कॉस ए। कॉट ए क्या है, 10 ए का रेसिप्रोकल, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। आर यानी हम LHS से ही सॉल्व करके देख रहे हैं, फिर एट दी एंड हमको ये रिजल्ट मिलना चाहिए, बस इतना ही चाहते हो ना तुम, ठीक है यार। तो अब क्या करो, इन दोनों का LCM निकालो, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये यहाँ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है, गुड। अब तुम्हें पता यार इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1, स्क्वायर वाला रिलेशन, तो हमने आप यहां पर लिख दिया क्या, 1 बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो यार साइन ए का उल्टा क्या होता है, क्या तुम्हें ये बात पता है, कॉसेक ए होता है, ठीक है,
कॉस ए का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो सेक ए होता है, तो क्या अब हम इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, वन बाय वन बाय कॉस ए के, वन बाय सेक ए, ठीक है। अब यार जब इसको तुम यानी सॉल्व कर लोगे इसे, तो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, कॉस ए के डॉट सेक ए। इसमें तो यार क्लास सेकंड वाली थर्ड वाली मैथ्स लगनी है, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए के सेक ए। यार इतनी सी चीज थी, इतना सरल सा क्वेश्चन था, देख लो तुम, ठीक है। यानी अगर तुमको ये सारी रिलेशन याद रहती हैं तो ये क्वेश्चन इज नथिंग भाई, समझ लो। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चेंट वाला रिलेशन यूज हो गया, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर वाला रिलेशन यूज हो गया, और इसके थ्रू पूरा क्वेश्चन बहुत कम टाइम में विद इन वन मिनट जो है सॉल्व कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतना ही स्टैंडर्ड रहेगा तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चन। तो क्या एक और क्वेश्चन को जो है यार प्रैक्टिस कर लिया जाए। सो आई एम फाइंडिंग वन मोर गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ठीक है। बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे अब हम, देखो यार। हाँ अच्छा क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर एक मिल गया है सेलिना से ही। देखो सबसे पहले यहाँ पर बोल रखा है, थोड़ा सा कठिन है, इस आइडेंटिटी को तुमको प्रूव करना है दैट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सिंप्लीफाई करके। क्या तुम कर सकते हो बताओ मेरे भाई, क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो यार, इसको तुम सिंप्लीफाई करो और फिर से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर दो, ठीक है। कर लेंगे तो हम एल एच एस से अपना सारा काम जो है शुरू करते हैं। चलो गुड, कॉस टू दी पावर फोर ए माइनस साइन टू दी पावर फोर ए, ठीक है। इतनी सी चीज ही तो बोल सकती, बोल रखी है। तो क्या यार अगर ऐसे हम इस फॉर्मेट में लिख लें, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्या ये चीज चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। और यार तुम्हें इतना तो पता ही है दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है यार। लिख लेते हैं अब इसे सिंपल से फॉर्मेट में, अगर इसे हम ए मान लेते हैं और इसे अगर हम बी मान लेते हैं, तो अब तुमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रिलेशन लगा दिया, तो नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इधर से ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यही एक सिंपल सी चीज जो यार तुमसे बोल रखी है, बढ़िया है। चलो ये तो पता ही है तुम्हें यार, इट इज अ स्क्वायर रिलेशन, इट इज इक्वल टू वन, तो ये पूरे का रिजल्ट कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यार मेरे भाई ये तो क्या है, ये तो वन ही है, ठीक है गुड। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो कि ये आ जाए, ठीक है। तो अब देखो यार इसमें अब थोड़ा सा तुम्हारा टैलेंट लगता है, क्या लगता है, टैलेंट यानी वही टैलेंट लगता है। सिंपली समझना यार, देखो कॉस स्क्वायर ए एक ही आइडेंटिटी लग रही है सिर्फ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है, बढ़िया चीज है भैया जी, ओके। अभी इसके बाद तुमको यार यहां पर साइन स्क्वायर ए बोल रखा है, एट दी एंड तुमको आंसर कॉस स्क्वायर ए में चाहिए, इसी वाली आइडेंटिटी को जो है तुमको यहां पर डालना पड़ेगा, क्योंकि एट दी एंड तुमको आंसर क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, ठीक है। तो बस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ये वाला मटेरियल यहां पर पटक दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए वाला, ठीक है। ये वाला पूरा सामान यहां पर अगर हम डाल देते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बस यार माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो साइन को, कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। देख लो मेरे भाई एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, पूरी आइडेंटिटी सॉल्व है। अब तुम इसके बाद किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन को जो है इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। सो नाउ कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो यार अब बात करते हैं तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं भाई मेरे, वही यार, वही याद करो छोटी क्लासेस में पढ़ा है 90 डिग्री तक, ठीक है। तो यार इस चीज को तो मैं तुमको एक बहुत बढ़िया तरीके से जो है समझाना चाहता हूँ, एक ट्रिक है बहुत बढ़िया तरीके की। जैसे कि कुछ तुमने वो रिलेशंस आइडेंटिटीज को याद करने के लिए एक ट्रिक का, वो रेशियोज को याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया था, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए तो एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, क्योंकि इसमें तुमको यार बहुत सारी चीजों को जो है याद करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी एक यहाँ पर प्रॉपर टेबल बना देता हूँ।
हाँ तो यार देखो बस ठीक है, इतनी सी चीज थी तुम्हारी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। ये हमने क्या बनाई है, एक टेबल बनाई है और इसके थ्रू तुम बहुत सिंपल वे में समझोगे। सबसे पहले तो देखो यार तुमको जो काम करना वो ही है, यहाँ पर तुम पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखो, ठीक है। फिर सबके ऊपर ये तुम स्क्वायर रूट वाला साइन लगा दो, ठीक है। सबके ऊपर देखो मैंने स्क्वायर रूट वाला जो है साइन लगा दिया है, ठीक है यार। उसके बाद क्या करो, ये एंगल्स लिख दो, 0°, 30°, 45°, 60°, 90°। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत से लोग बच्चे तो बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, इस पूरी टेबल को रट के जाते हैं, साइन की हर एक वैल्यू को रट लेते हैं। भाई ऐसा हमें करना ही क्यों है जब हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है तो, ठीक है। साइन कॉस 10, कॉस एक्स सेक 10, तो साइन की हमने देखो कुछ वैल्यूज लिखी हैं। आप देखो वैल्यूज क्या लिखनी है, इनकी जो वैल्यूज है, ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी जो वैल्यूज है। 0/4 की वैल्यू जब उसका रूट निकालते हो तो 0 आता है, 1/4 का जब रूट निकालोगे तो 1/2 आएगा, रूट यानी 2/4 का जब रूट निकालोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 1/√2, और फिर आपका 3/4 का रूट निकालोगे तो वो आएगा आपका √3/2, उसके बाद 4/4, ये तो आपका 1 हो जाता है सिंप्लीफाई करोगे जब, तो अगर 1 का तुम रूट निकालते होगे तो उसका आएगा √1, ठीक है, समझ ही रहे होगे इतनी सी चीज को। फिर एंगल्स रखे 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, तो बस इतना याद रखना यार। 0° अगर एंगल है साइन का, साइन 0° के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो आएगा आपका 0, ठीक है। सेम वे अगर तुम साइन 30° के बारे में बात कर रहे हो तो वो आएगा तुम्हारा क्या, 1/2। उसके बाद तुम साइन 45° के बारे में बात कर रहे हो तो वो आएगा तुम्हारा 1/√2, 60° आएगा √3/2, और फिर आपका ये 90° क्या आएगा, 1। चलो बढ़िया, अब तुमको ये बाकी की चीजों को जो है यार निकालना है, क्या निकालना है, इन बाकी की चीजों को जो है तुमको निकालना है, कॉस निकालना है, ठीक है, कॉस निकालना है। तो अब कॉस के लिए मैं देखो बहुत सिंपल तरीका है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज यहां से दे रखी हैं, यहां पर लेफ्ट टू राइट है, ऐसे राइट टू लेफ्ट में लिख दो, ठीक है, समझ रहे हो, क्या करो ऐसे राइट टू लेफ्ट में लिख दो, तो यानी जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है कॉस के केस में उसे एकदम बिगनिंग में लिख दो, फिर ऐसे सेकंड लास्ट को एकदम सेकंड पोजीशन पे लिख दो, बीच की तो बीच में ही आएगी, इस वाली वैल्यू को यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, सिंपली समझना, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो यार यहां पर 1 लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद 1/√2 को 1/√2 ही रहने देंगे, उसके बाद ये जो तुम्हारी एक और चीज है, ठीक है, क्या है, 1/2 को यहाँ पर लिख देंगे और 0 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो तुमने कॉस की भी सारी वैल्यूज लिखनी, 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, समझ रहे हो कितना सिंपल है ये। अब टेन निकालना है, तुमको पता है यार टेन इज इक्वल टू व्हाट, साइन बाय कॉस, तो बस अब ऐसे वैल्यूज लिखते जाओ, 0/1 करोगे 0 आएगा, उसके बाद देखो सबसे पहले तो इट इज इक्वल टू व्हाट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अगर तुम इसे इस केस में 0 लिख रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना, लेकिन इट इज इक्वल टू व्हाट, 0 को तुम एक लोगों में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, सिंपल है। उसके बाद 1/√2 है और फिर क्या है, √3/2, यहां पर मैं देखो तुम्हारी सारी सिंपल कैलकुलेशन जितनी भी है वो मैं करूंगा, ठीक है, देख लेना इधर पे 1/2 है, फिर उसके बाद क्या है, √3/2 को से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2/√3, ठीक है, तो यहाँ से देखो यार 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 1/√3। उसके बाद जब ये नॉट डिफाइंड, ये 1/√2 करोगे तो यार ये तो 1 ही आ जाएगा, जब तुम दो सेम चीजों को जो एकदम से डिवाइड कर देते हो तो 1 आता है, ठीक है। उसके बाद √3/2 उसको डिवाइड करोगे 1/2 से, तो यार करके देख लो एक बार, वो आएगा तुम्हारा √3, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर से 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड। चलो बेहतरीन, अब बढ़िया है, अब तुम कहोगे भैया आपने इतनी चीजें तो समझा दी, कॉस एक्स सेक और यहाँ पर ये जो तुम्हारा कॉट है बेसिकली, इनके कैसे निकालें, ठीक है, कॉस एक्स सेक और कॉट के कैसे निकालें। मैंने कहा यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से निकालेंगे, कॉस एक्स का निकालना है, पता है यार साइन और कॉस एक्स में कौन सा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल वाला, ठीक है यार, तो 0 का रेसिप्रोकल 0 आता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आता है, 3/√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आता है, ठीक है, कितना सिंपल है, देख रहे हो। उसी के बाद ये तुम्हारा 90° है, इसका 1 है, ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाता है। सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, ठीक है, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो चाहो तो इसका भी उल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन कॉस का रेसिप्रोकल निकाल लो वो भी ठीक रहेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ठीक है। उसके बाद यार यहाँ पर तुम्हारा देखो कॉस में बोल रखा है 1/2, तो यह आ जाता है 2, ठीक है, और 0 का तो फिर वही होगा यार, क्या होगा, 0 आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। उसके बाद भैया कॉट का कैसे निकालें, भैया टेन का रेसिप्रोकल निकाल लो, क्योंकि कॉट और टेन में एट द एंड कौन सा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल वाला, ठीक है, तो टेन का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड ही आएगा, ठीक है यार,
उसके बाद बोल रखा है 1/√3, तो रूट थ्री भी आएगा, 1 का यार 1 ही आ जाएगा, रूट थ्री का 1/√3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तुम्हारा नॉट डिफाइंड, बस सिंपल सी चीज है यार, एकदम सिंपल सी चीज। इतनी सी चीज को अगर तुम याद रख लेते हो, इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। इस टेबल को बना लेना जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आए, तो इस टेबल को बना लेना, जिससे ना कोई कंफ्यूजन रहेगा ना कोई दिक्कत रहेगी, और फिर तुम एकदम एक्यूरेसी के साथ, एकदम प्रिसीजन के साथ हर एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं इस पूरे पार्ट को जो यार इरेज कर देता हूं। हाँ देखो यार, अब एक कुछ एडिशनल चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे कुछ ऐसा कहूं कि भाई साइन है, ठीक है, अब साइन का 90-θ हम करते हैं, ठीक है, यानी हम साइन का एक ऐसा एंगल ले रहे हैं जिसमें हम 90 से उस एंगल को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 90-θ। तो इस केस में तुम क्या लिखोगे, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, यानी 90 तक ही रेंज होगी हमारी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं भाई हमारे 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है, याद रखना। तो साइन 90-θ करते हो तो दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर तुम कभी भी ऐसा लिखोगे, समझना इस बात को, साइन 90-44 डिग्री, अजीब सी डिग्री उठा ली हमने, साइन 90-44 डिग्री, तो ये आ जाता है तुम्हारा कॉस 44 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसे तुम सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 46 डिग्री, क्योंकि 90-44 = 46 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 44 डिग्री। इस चीज को यार जो है तुम याद रख सकते हो, ठीक है, बढ़िया। अभी उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, और भी कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, इतनी सी बात अगर तुमको क्लियर है तो और भी कुछ रिलेशंस हैं, डायरेक्टली मैं उनको जो यार कवर कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो सेम वे अगर तुम कॉस का निकालोगे, ठीक है, कॉस 90-θ करोगे तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। एक और अच्छी बात करते हैं, तो देखो टेन है, जैसे कि टेन में अगर तुम 90-θ करोगे, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा, ठीक है। अगर सेम वे तुम कॉट का अगर 90-θ करोगे तो इट इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा, ठीक है। एक और होता है रिलेशन हमारा, वो होता है सेक और कॉस के बीच में, तो अगर सेक 90-θ करोगे तो इट इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। अगर कोसेक 90-θ करोगे तो इट इज इक्वल टू व्हाट, योर सेक थीटा, ठीक है, समझ रहे हो इस छोटी सी चीज को। ये तुम्हारे सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ रिलेशंस होते हैं। अगर तुम साइन 90-θ करोगे तो कॉस थीटा आएगा, ऐसे कॉस और साइन में होगा, टेन और कॉट में, तो कॉट और टेन में होगा, सेक और कॉसेक में होता है, मतलब कॉसेक और सेक में होगा, ठीक है, समझ रहे हो इस छोटी सी चीज को। अब यार देखो एक छोटा सा पार्ट है जो तुमको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक पार्ट होगा तुम्हारी बुक में, ठीक है, एक पार्ट होगा तुम्हारी बुक में, उसमें कुछ ऐसी चीजें दे रखी होंगी, ठीक है, देखना उस चीज को तुम, यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, एक ऐसा पार्ट होगा यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तुम इसकी वैल्यू निकालो, सपोज साइन 53°37′, तो यार आई विल सजेस्ट यू कि तुम इन सारे क्वेश्चंस को जो है छोड़ दो, ठीक है। तुम कहोगे भैया क्या हमारे सिलेबस में छोड़ दें, यार देखो मैं तुमको बताता हूं, ये जो चीज है ना ये सिलेबस में हर साल होती है, समझ रहे हो, ये सिलेबस में हर साल होती है, कभी भी नहीं हटाई जाती है, स्टिल इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में। तो अगर जिस चीज से हमारे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं तो उसे पढ़ना क्यों, मेरे टाइम से क्या भाई, बहुत टाइम से तुम देखोगे ना प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख लेना, उसमें तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि इस पार्ट को तुम पढ़ो ही मत, क्योंकि भाई क्यों फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट करें। वैसे देखो वैल्यूज तुमको डायरेक्टली दे दी जाएंगी, लेकिन आई विल सजेस्ट यू इन्हें छोड़ दो, ठीक है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ भाई, छोड़ दो, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मक्कारी थोड़ी बहुत चल जाती है, मक्कारी जिसमें फायदा हो वो बढ़िया है मक्कारी, ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद तुम्हारी क्या और भी कुछ पार्ट इस चैप्टर में कवर्ड है, हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर तुम्हारा 101% बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे, अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रखा है, ये 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, और इसमें तुमको क्या करना है, बेसिकली प्रूव करना है, प्रूव दैट LHS is equal to RHS, ठीक है, ठीक है। एक मिनट का टाइम अगर तुम इसमें लेते हो तो तुम समझ लो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम ट्रिग्नोमेट्री के राजा बन जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। cos a by 1-10 हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, यहाँ से देखो सॉल्विंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मैंने बता दिया cos a by 1-10 है, तो cos a को cos a की तरह लिख रहे दो, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करो, 1 by 1-10 है, ठीक है, तो 1-10 पता है, 10 is equal to sin a by cos a, लिख दो यार,
जो पता है उसे लिखते चलो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है। प्लस साइन ए का साइन ए ही रहने दो, क्यों छेड़े हम इसे बेमतलब, क्योंकि हमें एट द एंड कॉस ए और साइन ए में आंसर चाहिए, तो बस छेड़ो नहीं किसी चीज को। उसके बाद ये बोल रखा है वन माइनस कॉट ए, तो वन माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है यार, ये भी बढ़िया चीज है। अब इस दोनों का तुम एलसीएम निकाल लो, ठीक है, निकाल लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, और ये आ जाता है तुम्हारा क्या कॉस ए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नीटली हम यहां पर लिख देते हैं हमने क्या किया, बेसिकली कॉस ए बाय वन माइनस साइन ए बाय कॉस ए था ना, ठीक है, तो हमने इसे क्या लिख दिया भाई, कॉस ए का कॉस ए ही रहा, इन दोनों का तुमने एलसीएम ले लिया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, कॉस ए बाय वन माइनस यानी कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, क्या ही दिक्कत है इसमें, क्या ही दिक्कत है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जानता हूं मैं साइन ए है, ठीक है, सेम वे इधर पे भी सेम प्रोसीजर है, दैट इट इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, यही चीज है। क्या यार तुमको इतनी सी बात समझ में आ रही है कि कॉस ए टेन ए को हमने साइन ए बाय कॉस ए में तोड़ दिया, कॉट ए को हमने कॉस ए बाय साइन ए में तोड़ दिया, इन दोनों नीचे वालों का हमने एलसीएम ले लिया, सो ये आ गया कॉस ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। इतना टाइम में भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है, नहीं तो जब तुम भी करोगे थोड़े से तुम यानी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हो जाओगे, तुम भी ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 30-40 सेकंड्स में कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो, बढ़िया है यार। अब इसके बाद क्या करेंगे यार, कॉस ए है कॉस ए है तो पता है ये तो क्या हो जाता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए, बढ़िया, प्लस का साइन है ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए। इसके अलावा और कुछ है इसमें? नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्या किया हमने, सिंपल सा काम कर दिया। अब इसमें यार देखो तुम क्या एक छोटी सी चतुराई कर सकते हो, सिंपली समझना, देखो इन सारी चीजों को जो है हम पूरा इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, देखो मैंने क्या किया, बस इतना काम कर दिया। अब देखो तुम एक छोटी सी चतुराई ये करो कि अगर हमको देखो ये हमारी चीज अलग आ रही है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं, सेम कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं, तुम बिल्कुल कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिखो, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब इस साइन को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, इसमें क्या कर दूं, मैं साइन को माइनस कर दूं एकदम से, इस वाली क्वांटिटी में माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो, अगर तुम इसे माइनस कर दो, ठीक है, क्या कर दो, अगर तुम इसे माइनस कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यार तुम्हारा, सिंपली तुम देख लेना, इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, माइनस साइन स्क्वायर ए, बस यहाँ नीचे के साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने यहां से कॉमन ले लिया, इतना समझ लो, ठीक है, हमने यहां से कॉमन ले लिया, अच्छा, तो ये हो जाता है तुम्हारा कॉस ए माइनस साइन ए। वो तुमने देखा क्या कह रहा है वो, डिनोमिनेटर सेम, हाँ यार सेम, ये तो खिलौना है जिससे तुमने खेल लिया, ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर सेम, तो बस सिंपली क्या करना है, कॉस ए माइनस साइन ए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसे भी तुम क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज समझ लो, देखो स्क्वायर स्क्वायर है, तो ऐसे भी क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तुमको ये सब चीजें आती हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासे में हमने पढ़ा है, ठीक है, तो जब इसे लिखोगे दैट कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, सॉरी यहां पर रहेगा तुम्हारा क्या माइनस साइन ए, ठीक है, तो बस देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एट द एंड बचेगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, यार बस इतनी सी ही बात थी जो इतनी सिंपल थी, पूरा चैप्टर बस ऐसे ही क्वेश्चंस में खत्म हो जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज नाउ कवर्ड फॉर यू, ठीक है, आईसीएससी वालों। अब इसके बाद देखो यार तुमको एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, ठीक है, उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लेना, अभी मैं जानता हूँ ये वाला ये चैप्टर है ना, ये तुमको एकदम लास्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन भाई इस चैप्टर को अगर तुम स्टार्टिंग में पढ़ लो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान को छू लेता है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी तुम इसे बुलाते हो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हर एक पार्ट जो है बहुत अच्छे से कवर्ड है, आईसीएससी वालों के लिए, सीबीएसई वालों टेंशन नहीं, तुम्हारे एक सेपरेट वीडियो आएगी अगर तुमने इसके थ्रू सब कुछ पढ़ा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी सही है यार, ठीक है। अब तुम्हारा चैप्टर तो यार 101% एकदम अच्छे तरीके से कवर्ड है, जैसे कि मैंने बता ही दिया, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, उसमें एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको मिल रहे होंगे, ठीक है, और उसके बाद
आपको एक और छोटी सी चीज जो है दी जाएगी, विचार नोट्स, ठीक है। अब देखो यार, ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है, एक बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, देख लेना तुम। अभी मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है यार। तो हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छे से कवर्ड है। तो बस मेरे भाई, इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।